जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। बाबूजी तो औरत बन के टस से मस नहीं हो रहे, माफी क्या मांगेंगे? बहुत सालों की अकड़ है पूर्वा, इसलिए टूटने में टाइम लग रहा है। वरना आज बीसी पार्टी में जो हुआ ना, अगर माँ और बुआ ना होते तो त्रिपाठी जी कब के टूट गए होते। वेदांत, मैं आपको पहले जैसा बना दूंगा, बस एक सेकंड लगेगा, आप प्लीज लगवा लो। नहीं लगवाना मुझे, बोलो ना एक बार। आउच। आप ठीक हो गए? मेरी खुशी सिर्फ इसमें है कि तुम अभी के अभी उन्हें ठीक कर दो। नहीं माँ, इन्हें इनकी गलतियों का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, इसलिए आज लाइफ में पहली बार मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम मेरे वेदांत नहीं हो सकते, नहीं हो तुम मेरे वेदांत। हैवान हो गए हो तुम, कितनी आसानी से तुमने संजू के पापा को यहां से कूदने को कहा। कैसे भुक्कड़ की तरह दोनों गीले ही बैठ गए ना खाने। अब बैठो, नानी के घर जाके बदल लेंगे। किसने कहा था बरसात करने को? पति ने इतना एफर्ट दिया तो मैंने भी सोचा थोड़ा रोमांस ऐड कर लेते। पता नहीं ये मौका कब मिलता है एक दूसरे के साथ, तो ऐसा मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने देता। घर पहुंच के मैसेज नहीं, सिर्फ एक मिस कॉल दे देना। अब कभी भी बुला सकते मेरा टीम। इतने षड्यंत्र रचे कि वेदांत के जाने पर सब ठीक हो जाएगा, पर यहाँ तो। अरे भैया ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होता ना तो हम सबके लिए अच्छा होता। बताओ, वेदांत के जाने से ज्यादा कोई हमारे नाम हो जाती, आखिरकार है तो सब कुछ उसके नाम पर। बस अब तो वेदांत भैया वापस आ जाएं और दादी ठीक हो जाएं, तभी सब कुछ बदलेगा बुआ। संजू, अम्मा को मनाना मतलब पहाड़ उखाड़ना। लगा उस गुदरी लाल को फोन। लगा। आप तैयार हैं इतनी ऊंची नाक घिसने के लिए, मतलब रगड़ने के लिए? उस गुदरी लाल को मैं त्रिपाठी खानदान की दौलत नाले में नहीं बहाने दूंगा। उसके कब्जे से दौलत बाहर आएगी तो ही अम्मा ठीक होगी और हमारी गाड़ी लाइन पर आएगी। लगा फोन। अब तक किसी को संदूक के बारे में तो बताया नहीं। हमारी गाड़ी नहीं भैया, अपनी जेब गरम करोगे आप? सब कुछ जपत करके अच्छे से जानते हैं हम आपको। साहब, इतने से तो पूरा महीना निकालना बहुत मुश्किल है। अब वेदांत घर में नहीं रहा पर घर का सब कुछ तो उसी का ही है। करता हूं मैं कुछ इंतजाम। अरे कैसे करेंगे पापा, 2 रुपए भी बैंक से वेदांत भैया के साइन के बिना नहीं निकाल सकते, क्या करें अब?
ये क्या हरकत है गुदरीलाल? ये कोई बाजार या बस्ती नहीं है, ये मकान है मेरा। संजीवनी सदन मकान नहीं, घर है आपका, नहीं मेरा। माफी मांगी त्रिपाठी जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले माफी मांगनी है अच्छे से, और उसके बाद जमीन पे नाक रगड़नी है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। बढ़ रही है गुड्डन और अक्षत के बीच नजदीकियां। इतने बड़े परिवार के इकलौते जवान वारिस को अपने हाथ से कैसे जाने देगी तू? ऐशो आराम से कैसे मुंह मोड़ेगी तू? पति की खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं होगा तेरे लिए। और अगर तू वाकई चाहती है कि साहिल वापस आ जाए तो चली जा उसकी जिंदगी से, तो छोड़ दे साहिल को। आप साहिल के पापा को छोड़ सकती हैं? चली जाओ ऐसे। आई सेड जस्ट लीव। देखो मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। अभी रुक, तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। यार एक सेकंड सर, राजी सर, मैंने कुछ नहीं किया। कट, जस्ट लीव एंड डोंट एवर कम बैक। थैंक यू वेरी मच। इससे ये तो पता चल ही रहा है कि मेरी पेशेंट शर्लिन खुराना प्रेग्नेंट है। परेशानी करनी है ऋषभ लोथरा की कुंडली अब शर्लिन खुराना से मिल गई है। इस नाखून के जरिए मैं दाइमा और दादीमा को आजाद करा पाऊंगी। हाना ने मुझे मेरे असली रूप में देख लिया है। अभी उठेगा तो इसे क्या जवाब दूंगी मैं? देखो मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वो देखकर तुम भी इस रिश्ते के लिए मान जाओ। आओ कल्याणी मेरे साथ चलो। आ, चलो कल्याणी। ये पेपर्स देखो। क्या अपनी नफरत से परे शान अस्मिता को फंसे चंगुल से बचा पाएगा? और क्या होगी ये उनके नफरत के अंत की पहली शुरुआत? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। ये क्या हरकत है गुदरीलाल? ये कोई बाजार या बस्ती नहीं है, ये मकान है मेरा। संजीवनी सदन मकान नहीं, घर है आपका, नहीं मेरा। माफी मांगी त्रिपाठी जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले माफी मांगनी है अच्छे से, और उसके बाद जमीन पे नाक रगड़नी है।